हेलो एवरीवन कोमल शर्मा दिस साइड एंड हियर आई वेलकम यू ऑल एट योर ओन गार्गी क्लासेस अ प्लेस वेर यू कैन इजीली गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस रेलेवेंट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो आज मैं उन सारे वर्ड्स और के साथ हूँ जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन सेशन से ठीक है ऑफ सिक्सटीन अप्रैल ट्वेंटी राइट न सिर्फ ये वोकैबलरीज और वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एडिटोरियल डिस्कशन बल्कि उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जित जो कि इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर से रिलेट करते हैं सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ फॉर्मिटेबल फॉर्मिटेबल कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है सेंटेंस के दिस इज़ एन exactive सबसे पहले तो ये क्या है exactive है दूसरा फॉर्मिटेबल का मतलब क्या होता है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद जिसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डरावना होता है ठीक है और जिससे डील करने में या जिसको फेस करने में हमें थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हमें हमारे ठीक है तो फॉर्मिटेबल के सिनानम्स क्या हो गए द थिंग विच इज़ ड्रेडफुल फेयरफुल फॉर्बडिंग या फ्राइटनिंग जो चीज़ें हमें डराती हैं जो हमें हमारे फर्ड्स मांगती है जिससे डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो उसको उस उन सारे चीज़ों का मतलब क्या होता है डाटाज़ फॉर्मिडेबल जिसके से ये हो गए एंटनम्स फॉर्मिडेबल जो वर्ड है उसके एंटनम्स हैं कम्फर्टिंग कंसोलिंग या फिर इनवाइटिंग जो हमें कम्फर्ट करता है कंसोल करता है जिससे हम इन्वाइट uh, होता है जिसमें हम इन्वाइट होते हैं इजीली एक्सेप्ट करते हैं हम चीज़ों को तो वो उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया राइट right? फॉर्मिडेबल जो वर्ड है उसका अगर सेंटेंस हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे कॉम्पिटिशन फ्राम इस्टेब्लिश बिजनेसज कैन बी फॉर्मिडेबल मतलब जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेसज हैं आपके सामने उनके साथ कम्पीट करना कितना डरावना होता है ठीक है कितना ड्रेडफुल होता है कितना एफर्टिंग होता है कि हमें उसमें अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा राइट right? चैलेंजिंग uh, होता है बहुत बड़ा हमारे साथ वो चैलेंज होता है सो फॉर्मिडेबल वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या हो गया दिंग विच द थिंग्स विच आर डिफिकल्ट टू डील विद जिनसे डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो राइट अनदर वर्ड इज फ्रॉड फ्रॉड इज ऑल्सो एन एड्जैक्टिव फ्रॉड भी एक एड्जैक्टिव है ठीक है और फ्रॉड का बेसिक मतलब होता है अनप्लेजेंट कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अनप्लेजेंट करती है जो आपको अनहैप्पी करती है, जिसमें जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन uh, में आते हो ठीक है आपकी जो पीस है वो चली जाती है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे फ्रॉड तो फ्रॉड के सिनोनिम्स क्या हो गए एंक्शस क्रीपी या फिर डिसक्वाइटिंग एंक्शस क्रीपी या डिस्क्वाइटिंग इनके जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं फ्रॉड के एंटेनम्स क्या हो गए कंफर्टेबल ईजी पीसफुल या फिर क्वाइट ये हो गए इसके एंटेनम्स ठीक है जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉड जो वर्ड है उसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे माई काउंसिल डिजाइड टू रिप्रेजेंट दैट मैथड नाउ बीग अडोप्टेड आर फ्रॉड विद ग्रेव पब्लिक डेंजर ठीक है तो इस तरीके से आप जो फ्रॉड एडजेक्टिव है उसका यूज़ कर सकते हैं ऐसे सर्कमस्टांसिस या ऐसे सिचुएशंस के लिए जो आपको एंशस करती है आपकी पीस को दूर ले जाती है या फिर आपको अनईजी कर देती है अनकंफर्टेबल कर देती है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्रॉड द थिंग्स विच मेक यू अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट ठीक है तो वहाँ पे हम फ्रॉड वर्ड का यूज़ करेंगे अनोदर वर्ड इज़ एम्पली एम्पली एक एडवर्ड है सबसे पहले तो सॉरी नॉट एडवर्ड इज्स एडवर्ब ठीक है एम्पली इज़ एन एडवर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड सेकेंड थिंग इज ऐम्पली का जो मतलब होता है वो ये होता है मोर देन अनाफ कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम वर्ड का यूज़ करते हैं एम्पली तो एम्पली के सनानम्स क्या हो गए एडिकुटली एक्सटेंसिवली जनरसली या फुली कम्प्लीटली भी हम बोल सकते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ब्रिम अप होती है तो वहाँ पे हम वर्ड का यूज़ करते हैं एम्पली और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो क्या हो गया Insufficiently सफिशेंटली मतलब जब चीज़ें सफिशेंट नहीं होती हैं सफिशियंसी से कम जब चीज़ें होती हैं तो वो एंटेनिम बन जाता है ऑफ एम्पली एंड इन एडिक्वेटली ठीक है तो ये हो गए एंटनिम्स एम्पली वर्ड का अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे ही हैव बीन एम्पली रिवॉर्डेड बाई ग्रैंड ऑफ लैंड एंड मनी बट वॉज नॉट यट सेटिस्फाइड मतलब जब आपके पास जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ होती है और फिर भी आप सेटिसफाइड नहीं होते हो तो वहाँ पर हम एम्पली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो एम्पली इज़ अ वर्ड विच कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ एडब ठीक है सो दिस इज द वर्ड एम्पली

एक्सट्रा टू लूज पोजिशन ऑफ पावर अथॉरिटी जब किसी कंट्री के लीडर का या किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन या पोजिशन हाई रैंकड या पोजिशनड कोई भी पर्सन होता है और उसकी जो पावर uh, है या अथॉरिटी है उससे छीन ली जाती है उसके पीछे से तो वहाँ पर हम टॉपल वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है जब आपकी पावर और अथॉरिटी आपके पीठ पीछे छीन ली जाती है और वो किसी और को रिप्लेस कर दिया जाता है उन पावर्स और अथॉरिटीज़ पर तो वहाँ पर हम टॉपल वर्ड का यूज़ करते हैं तख्ता पलट ठीक है तो टॉपल वर्ड के सनानम्स क्या हो गए फॉल स्लिप या फिर स्टम्बल अपनी जगह से स्टैंबल हो जाना गिर जाना फिसल जाना स्लिप हो जाना तो उसे वहाँ पे हम टॉपल वर्ड का यूज़ करेंगे और इसी के एंटनम्स क्या हो गए टू अप खड़े हो जाना एंड राइज अप या फिर अप राइज खड़े हो जाना ठीक है सो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा टॉपल वर्ड का द अर्थ क्वेट टॉपल द बिल्डिंग्स मतलब अर्थक्वेक की वजह से अर्थक्वेक ने बिल्डिंग्स को गिरा दिया ठीक है तो इस तरीके से हम टॉपल वर्ड का यूज कर सकते हैं टॉपल एक वर्ब है अनादर वर्ड इज डिमिनिश डिमिनिश इज ऑल्सो वर्ब ये भी एक वर्ब ही है डिमिनिश का मतलब क्या होता है टू बिकम और मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट जब हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं डिक्री कर देते हैं तो वहाँ पे हम डिमिनिश का वर्ड का यूज़ करेंगे डिमिनिश इज़ अ वर्ब इसके सिनोनिम्स क्या हो गए लेसन लोअर या फिर रिड्यूस। जो कि डायरेक्ट सिनोनिम्स है ऑफ़ डिमिनिश। एंटोनिम्स क्या हो गए? इसके जस्ट ऑपोजिट टू डेवलप टू एक्सटेंड या फिर प्रोलोंग तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए डिमिनिश वर्ब के अगर वर्ब का अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे हि स्ट्रेंथ हैज़ बीन डिमिनिश्ड हि स्ट्रेंथ हैज़ डिमिनिश्ड ओवर द ईयर्स मतलब जैसे जैसा टाइम बीत रहा है उसकी स्ट्रेंथ डिमिनिश होती जा रही है तो जब कोई भी इम्पोर्टेंस या कोई भी चीज़ जो हाई होती है और वो एकदम से डिक्री हो जाती है डिक्रीज़ कर देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को तो वहाँ पर हम डिमिनिश वर्ड का यूज़ करेंगे कुछ इज़ अ वर्ब अनादर वर्ड इज टॉरेंट टॉरेंट नाउन है बेसिकली और टॉरेंट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ सम जब एकदम से uh, बहुत तेज बहाव के साथ कोई चीज़ आती है स्पेशली वाटर तो वहाँ पर हम टॉरेंट वर्ड का यूज़ करेंगे तो टॉरेंट के डायरेक्ट सिनानम्स क्या हो गए डल्यूज फ्लड या फ्लड टाइट मतलब असडन एक स्ट्रेंथफुल तरीके से अगर फ्लो आता है पानी का तब हम टॉरेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं कोई भी चीज़ हो सकती है पानी की जगह तो डेल्यूज फ्लड या फ्लड टाइड एंटोनिम्स क्या हो गए टोरेंट के ड्रॉट एंड ट्रप जो कि डायरेक्ट एंटोनिम्स हैं ठीक है सो so, इसका यूसेज हम कुछ इस तरीके से करेंगे टोरेंट वर्ड का शी फेस द विंडोज वॉचिंग द टोरेंट आउटसाइड ठीक है Uh, मतलब सडन फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है ठीक है बाहर टॉरेंट है डेल्यूज हम बोल सकते हैं फ्लड बोल सकते हैं एंड वन गर्ल और वमन वॉचिंग दिस टॉरेंट फ्रॉम द विंडो सो दिस इज अ नाउन टॉरेंट अनदर वर्ड इज डोंटिंग डोंटिंग एडजेक्टिव है डोंटिंग watch, so, का मतलब क्या होता है वेल यू मेकिंग फील स्लाइटली फ्राइटन और वर्ड अबाउट योर एबिलिटी टू अचीव सम थिंग सीधा सा हम बोल सकते हैं द थिंग विच आर चैलेंजिंग इन आर वे ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अचीवमेंट्स पर आपकी एबिलिटीज़ पर आपके स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन मार्क पुट करें तो वहाँ पर हम डॉन्टिंग uh, वर्ड का यूज़ करेंगे जब हम कोई काम करने जा रहे होता है और हमारी एबिलिटी पे क्वेश्चन होता है विच मीन्स जब हमारे सामने चैलेंज बड़ा होता है तो वहाँ पे हम जो कि एक एडजेक्टिव है उस वर्ड का यूज करेंगे सनानम्स क्या हो गए इसके अनसैटलिंग डिसमेइंग या फिर चैलेंजिंग एंटनम्स क्या हो गए एंटनम्स आर एनकरेज एंड हर्टन इसके जस्ट ऑपोजिट ठीक है डोंथिंग जो वर्ड है उसका यूज uh, हम किस तरीके से करेंगे एज आर एक्टिविटीज ग्रियू द टास्क बिकेम मोर डोंटिंग जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रहे हैं हमारे रास्ते में सो दिस इज़ द वर्ड डोंटिंग अनदर वर्ड इज रिवाइटलाइज रिवाइटलाइज जो कि एक वर्ब है रिवाइटलाइज का मतलब क्या होता है किसी में नई लाइफ या वाइटलिटी को इम्ब्यू करना ठीक है जब आप किसी में नई लाइफ को इंस्टील करते हो तब हम वर्ड का यूज करते हैं रिवाइटलाइज तो री एनर्जाइज स्ट्रेंथन या फिर रिवाइव ये इसके सनानमस हो गए एंड डिप्रेस जब हम उन चीज़ों को डिप्रेस कर देते हैं तो वो जस्ट हो गया कि आप किसी से उसकी लाइफ छीन रहे हो उसकी वाइटैलिटी छीन रहे हो तो फिर वो उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया ठीक है यूसेज कुछ इस तरीके से इसका इन एन एफर्ट टू रिवाइटलाइज द डाइंग प्लांट जब हम कोई भी डाइंग प्लांट है उसको रिवाइटलाइज करने की कोशिश करते हैं वी पुट इट इन अ वेल लिट स्पॉट एंड प्रोवाइडेड इट विद प्लेंटी ऑफ वाटर ठीक है एक आ, मरता हुआ पौधा जिसको आप पानी देके उसकी जान बचा ले तो वहां पे हम रिवाइटलाइज वर्ड का यूज कर सकते हैं टू गिव लाइफ एंड वाइटैलिटी अगेन टू अनदर वर्ड इज सकाम सकाम एक वर्ब है सबसे पहले और सकम का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज़ को आ, रिसिस्ट करना मतलब अगर कोई हमें प्रेशर हम पे प्रेशर डाल रहा है या हमें मजबूर कर रहा है कोई चीज़ करने को या हम टाम हो रहे हैं ठीक है या फिर कोई नेगेटिव फोर्स है जो कि हमें प्रेशराइज कर रहा है और हम अपने आप को कम्प्लीटली uh, सबमिट कर देते हैं सरेंडर कर देते हैं हम फेल हो जाते हैं रेसिस्ट करने में ठीक है तो वहाँ पे हम सकम वर्ड का यूज़ करेंगे तो सनानमस क्या हो गया सकम के टू सबमिट सरेंडर और गेवन जब हम कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं अपने आप को सबमिट कर देते हैं कि अब जो ये भी जो भी नेगेटिव फोर्स है या प्रेशर है जो या फिर जो भी टंप्टेशन है उससे हम रिसिस्ट नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पर सकम वर्ड का यूज़ करेंगे एंटेनेम क्या हो गया रिसिस्ट करना या फिर कौन करना यूसेज वी कैन नॉट मेयरली गिव अप एंड सकम टू डिस्पेयर हम कंप्लीटली डिस्पेयर को सकम नहीं कर सकते सरेंडर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ए, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम सकम वर्ड जो है उसका यूज कर सकते हैं हेयर वी हैव द फ्रेज दैट इज बॉइल्स डाउन बॉइल्स डाउन का मतलब कम डाउन टू ठीक है पर्टिकुलर थिंग एज द मेन और सेंट्रल पार्ट नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेस्ट रेस्ट जो कि एक वर्ब है ठीक है तो रेस्ट वर्ड जो है उसका मतलब क्या हो गया टू फोर्सिबली फोर्सिबली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सनस ग्रेस्प जब हम किसी से किसी की ग्रेस्प से पकड़ से हम जब कोई चीज़ छीन लेते हैं तो वहाँ पे हम रेस्ट जो वर्ब है उसका यूज़ करेंगे तो उसके सिनोनिम्स क्या हो गए टू स्नैच सीज और वेंच ठीक है छीनना इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो गए टू इंस्टॉल इंसर्ट और गिव और इसका यूसेज कुछ इस तरीके से है ही रेस्टेड द लेटर फ्रॉम माय ग्रेस कि उसने मेरी ग्रेस से उसने मेरी ग्रिप से uh, जो लेटर है वो छीन लिया है तो वहां पे हम वर्ड का यूज कर सकते हैं दैट इज रेस्ट अनदर वर्ड इज ग्रेजिंगली ग्रेजिंगली जो कि एक एडवर्ब है ठीक है ग्रजिंगली का मतलब क्या होता है इन रिलैक्टेंट और रिजेंटफुल मैनर मतलब अनविलिंग मना करना किसी चीज़ को रेसिस्ट करना ठीक है सिनोनिम्स क्या हो गए ग्रेजिंगली के अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंटली जब जो भी चीज़ या जो भी काम करने में हमारी इच्छा नहीं होती है हम मना करते हैं बिना मन के कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे हम ग्रेजिंगली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं एंटनम uh, क्या हो गया इसके अलाउ या फिर अप्रूव तो सोफ़ी took it terrified ऑफ वॉट वॉज टू कम मतलब सोफ़ी इज़ अ गर्ल श्री अनविलिंगली टुकिट उसने अनविलिंगली कोई भी एक चीज़ ऑप्ट कर ली है और वो टेरिफाइड डरी हुई है कि अब क्या होने वाला है तो जब हम अनविलिंगली या रिलेक्टेंटली कोई भी चीज़ ऑप्ट करते हैं कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ग्रेजिंगली So, these were the words or vocabularies. Hope you all got the points. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes.